Hey, Zenob. मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, हाउ आर यू? मैं यार फाउंडेशंस पे फंसी हूँ। स्टार्ट करूँ? मैं यार प्राइमर लगा देती हूँ ताकि वो सेट भी हो जाए तब तक इसके लिए। मैंने इनवाइट किया है। नेल पॉलिश यार उतारने वाली थी पर मेरा बेबी सो गया तो मैंने कहा चलो यार मैं जा रही हूँ। ओके, मैं स्टार्ट लूँ? जैनब, मैं स्टार्ट ले लूँ ना? सेकेंड यार, बस 2 सेकेंड देना मुझे। स्टार्ट करने लगे, ठीक है? मैं आईब्रोज करूँ पहले? मैं आईब्रोज हमेशा यहाँ से शुरू से नहीं बनाती, मैं यहाँ से बनाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ और जो है ना पहले उसको आउटलाइन करती हूँ ऐसे। ये जूम कर देती हूँ।
ठीक है ऐसे। ये आईब्रोज मैं जो है ना इसमें ब्राउन कलर लगाती हूँ, डार्क नहीं करती। देखो ब्राउन, असल में मैंने ना वीडियो शेयर की है व्यूज के लिए। ठीक है अभी मैं हाइलाइटर लगाती हूँ, उससे पहले अपनी आईब्रोज जो है ना उसको डिफाइन करने के लिए कंसीलर रेडी कर दिया। एले प्रो का जो कंसीलर है ना, ये इसको डिफाइन करने के लिए ये कौन सा शेड है, कहाँ लिखा होता है यार इसका, पर ये बिल्कुल येलो नहीं है, पता नहीं कहाँ लिखा होता है यार इसका, तो मुझे खुद नहीं पता। ये कलर येलो नहीं है पर ऑरेंज भी नहीं है, मिक्स है, मतलब इन बिटवीन है। हेलो निदा, निदा नाम है ना? यस, इट्स काइंड ऑफ पीच। अब मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको थोड़ा सा टैप करूंगी। थैंक यू। तो मुझे बताओ स्मोकी करूँ या सिंपल डे टू डे? स्मोकी और डे टू डे? तो ये देखो आइस का जो है ना, एक आइस को वो मिल जाती है, वो जो हमारी ओरिजिनल कलर होता है ना आइस का, वो चला जाता है, मतलब समझ जाओ। ओके मेरा तो दिल है स्मोकी का आज बहुत ज़्यादा, तो आई विल गो विद स्मोकी। अभी इसको सेट करने के लिए आप अपनी किट में से एक, ये देखिए मैंने शेड लिया,
हमेशा स्किन कलर का या क्रीम कलर का कुछ भी जो शेड है ना वो लेके उसको सेट करने के लिए लगा दें, इससे कोई हार्श लाइन नहीं आएगी आईज पर। और जो शेड आप लगाएंगे ना वो फिर, वॉइस स्लो हो रही है यार, मैं आहिस्ता बोल रही हूँ, मेरा बेटा सो रहा है ना तो बस उसके डर से। अब मैं क्या करूँगी, ये हाइलाइटर लिया मैंने एनास्टासिया का, ये वाला कलर, ठीक है, ये लेकर मैं अपनी आईज के इधर लगाऊंगी। अच्छा है, मैं वो थोड़ा ऊंचा बोल लेती हूँ, मुझे बस है कि मेरा छोटा ना उठ जाए। अब ठीक है आवाज, अब आवाज ठीक है, या इससे भी ऊंचा बोलूँ? ये मैंने ना हाइलाइटर लगा लिया, अपनी आईज के इधर, अब ठीक है ना? स्टिल नो? हाँ अच्छा, अब मैं और ऊंचा बोल लेती हूँ यार, वॉइस कट हो जाती है, तो थोड़ा सा और ऊंचा बोल लेती हूँ, सेट करूँ मैं, अब ठीक है, या मैं थोड़ा सा नज़दीक कर देती हूँ इसको, अब थोड़ा सा जूम आउट, अब ठीक है आवाज़। हमेशा हमेशा अपनी आईज को ना लाइट कलर से शुरू करें। मैंने जो है ना यहाँ पे हाइलाइटर लगाया, उसके बाद में ये जो क्रीज होती है ना, ये क्रीज होती है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा लाइटर शेड होता है। तो मैंने अभी अपने किट में से ब्राउन ब्राउन से सबसे छोट जो हल्का क्या कहते हैं कलर होता है ना, वो हम लोग हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे लगाना। ये मेरा क्रीज है, जब आँख खोलते हैं ना तो हमें क्रीज का पता चलता है, ये क्रीज, उसके ऊपर लगाते हैं ये कलर, ठीक है, ये कलर यहाँ पे लग गया। जी मैंने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे भी हमेशा दोनों आईज को ना साथ साथ में कर लो, वो बेहतर होता है, इजी भी हो जाता है। अब थोड़ा क्लियर है ना आवाज़? नहीं आवाज़ नहीं सही, लाइट, वो इजी हो जाता है हमारे लिए करने के लिए, कि कहीं कम हो ज़्यादा हो तो हम दूसरी आंख को भी साथ साथ में करते रहें। ठीक है, ये देखिए शेड नज़र आ रहा है ना, हल्का सा ऑरेंज पीच किस्म का। और हमेशा अपनी ब्रश को बहुत हल्के से चलाओ ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ये जो टिप होती है ना ब्रश की, ये लगनी चाहिए आपकी आईज पे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इससे आपको बहुत सॉफ्ट सा जो है ना कलर आता है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन कर सकते हो, ये चीज़। अब आवाज़ ठीक है ना यार? जैनब मुझे बता दो। अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि हमारा ये होता है ना, इसको क्या बोलते हैं यार, स्मोकी, इसमें बहुत डार्क हमें शेड्स यूज़ करने पड़ते हैं, हमारे कुछ आई शेडो इतने भी डार्क नहीं होते, और अगर जब आई शेडो हमारे डार्क ना हो तो आप
जो है वो पेंसिल यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पे, पर उसको ब्लेंड करना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कलर। अब मैं अपनी जो है ना ये इससे छोटा ब्रश लूँगी। ये देखिए, मैंने पहले ये वाला ब्रश लिया था ना, अब मैं ये वाला लूँगी। ये थोड़ा ज़्यादा फ्लफी है ये ब्रश लेके, और थोड़ा छोटा है ये, इससे थोड़ा सा डार्कर शेड पे। अभी मैंने जो शेड लगाया इससे थोड़ा सा डार्कर में जाऊंगी, ब्राउन में। और मैं जहाँ पे मैंने पीस लगाया उधर नहीं टच करूँगी, उससे नीचे नीचे रहूँगी, ठीक है? थैंक यू। उससे नीचे नीचे रहूँगी, जैसे कि आँख बिल्कुल खोल के यहाँ पे, ठीक है? मैं ऊपर की तरफ नहीं जा रही जो मैंने कलर लगाया था। और हमेशा स्मोकी में अगर इधर भी आ रहा ना तो कोई डरो मत, क्योंकि हमें वो कलर नीचे चाहिए। ये ब्रश टू फेस का आई गेस, नहीं कौन सी किट से निकला था ये, एक सेकेंड। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ये अर्बन डिके से निकला था, ये इसका ब्रश है, ठीक है? और जो वो था ये वाला, ये लोकल है, यहाँ पे लोकल ब्रांड है, और बाकी जो आगे यूज होंगे वो सिग्मा है, ठीक है? वॉइस स्लो है अभी भी। ठीक है, ये मैंने ब्राउन शेड जो है ना ऊपर ऊपर नहीं लगाया, बिल्कुल यहाँ नीचे नीचे लगा रही हूँ। अब ठीक है आवाज? और बिल्कुल यहाँ पे भी लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि जैसे कि मैं बोला है स्मोकी कर रही हूँ, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कलर जो है वो इधर उधर नीचे आ जाए। आवाज़ ठीक है मेरी? आई डोंट नो क्यों होता है ये ऐसे, अब आवाज आएगी शायद। अब आवाज ठीक है? ये देखो, अब इसको आप इतना भी रख सकते हो, क्योंकि हम जब ब्राउन स्मोकी करते हैं ना, तो उसमें ये एक ब्राउन स्मोकी आपको आइज मिल गई। अब इस अभी ठीक है वॉज या नहीं? अभी भी वैसे ही है, आई डोंट नो क्या हुआ मेरे मोबाइल को। आप जब ब्राउन स्मोकी करते हो ना, उसके लिए ये इतना ठीक होता है, ये ब्राउन स्मोकी के लिए ये लुक होती है। लेकिन इसको ब्लैक में लेके जाना, तो इसके ऊपर हाँ मैं भी ब्लैक शेड लगाऊंगी। ठीक है, मैंने दोबारा से ऑरेंज शेड लिया है अपना, और यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो ब्राउन है ना वो मिक्स हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगी ऊंचा, ठीक है, ताकि आवाज़ आए सबको। ओके, अब जो है ना मैं अपनी पेंसिल लूँगी और अपनी आईज को स्ट्रेच कर लो, स्ट्रेच करके पेंसिल को इधर लगाओ। एक सेकेंड यार, मुझे नज़र नहीं आ रहा। स्ट्रेच करके
ऊपर ऊपर तक भी जाए तो कोई बात नहीं, हम इसको ब्लेंड करेंगे अभी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये किधर चला गया और ये क्या हो गया। ये ऊपर ऊपर तक भी चला जाए तो नेवर माइंड। अब जो है ना ये मैंने लगा लिया है, मैं पहले पहली आंख ही करूँगी, ये वाली आंख। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना ब्रश लेकर, आप कोई सा भी जो है ना ऐसा फ्लैट ब्रश होता है, ऐसा फ्लैट ब्रश वो लेकर, मेरा ये थोड़ा गंदा है, मेरे हाथ को क्या हो रहा है। विच पेंसिल? ये पेंसिल जो है ना मैक्स फैक्टर की है, मैक्स फैक्टर की पेंसिल है, कोहल है ये, ठीक है। अब इसको जो मैंने स्ट्रेच किया था ना उसी को स्ट्रेच करके इसके साथ मैं ब्लैक शेड लूँगी अपना। ब्लैक शेड लेकर अपनी आई स्ट्रेच कर लो और इसके साथ ब्लेंड करो, ठीक है। बस इधर इधर तक रहना है, ऊपर नहीं जाना। जस्ट जो हार्श लाइन है ना उसको आपने ब्लेंड करना है अच्छी तरह से, पूरी आईज को ऐसे ब्लेंड कर देना, ठीक है। ये हो गया। अब जो है ना मैं क्या करूंगी, अपनी वही ब्रश लूंगी, ये जो मैंने यूज की थी, डार्केस्ट ब्राउन लूंगी, ये देखो मैं लगा के दिखाती हूँ, बिल्कुल ऊपर, मतलब पीच और ब्लैक के दरमियान वाली जो जगह है ना वहां पे ये कलर करूंगी मैं। और अपनी ब्रश को बिल्कुल हल्के से चलाओ। ये देखो मेरा फॉल आउट हुआ है ना, इसीलिए मैंने अपनी फेस पहले नहीं किया कि फॉल आउट होगा इससे, ठीक है। फिर से मैंने ब्लैक लिया, एजिस पे लगा रही हूँ, जस्ट इसको जेट ब्लैक देने के लिए मैंने पेंसिल यूज़ की है, ताकि ये थोड़ा जेट ब्लैक सा आए, ठीक है, लाइक दिस। स्मोकी आइज तो इतना इजी होता है ना कि 2 मिनट में हो जाता है स्मोकी, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है ना मैं इसको थोड़ा सा, अब मैं इस आंख पे भी करूंगी सेम जो मैंने इधर किया, स्विच करके एंड देन स्विच। ठीक है, अब मैंने दोबारा से अपना ब्लैक शेड लेना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। थैंक यू। इसी को मैं जो एजेस है ना उसको ब्लेंड करूंगी, ये मेरी एजेस जो है ये फॉल आउट हो चुके। अब अगेन ये वाला ब्रश लेकर, थैंक यू मायरा, मैं ब्राउन, डार्केस्ट ब्राउन में जाऊंगी और यहाँ पे, ठीक है।
किसका मैच है? थैंक यू रुबाब, ये जो मैस हुआ है ना इसको इग्नोर करें, ये साफ हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये ब्रश जो है ना इससे मैं लगाती हूँ। ठीक है, ये हो गया। मुझे वहां से भी नहीं नजर आ रहा ना सही से। थैंक यू। अब जो है ना ये करके, ये जो मेस है ना इसको यहाँ से ऐसे करना। मैं अंडर आइज बाद में करूँगी, क्योंकि मैं फेस कर लूँ पहले, उसके बाद में जो है ना अंडर आइज करूँगी। ठीक है, आवाज़ होपफुली आ रही होगी। मुझे यहाँ से जो है ना सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ना ठीक है। अब जो है ना मैं फेस पे आऊंगी, फेस पे सबसे पहले हम जो है ना कंसीलर लगाएंगे। से 30 मिनट्स, ये कंसीलर है मेकअप मेकओवर का, सॉरी सॉरी मेकओवर का है ये वाला। ये यहाँ के ना लोकल ब्रांड है, तो मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में है या नहीं। ठीक है, ऐसे करके अब जो है मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा और यहाँ पे जाऊंगी ये कलर।
है। अब इसके ऊपर जो है ना फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशन जो है मैं यूज़ करती हूँ जो ये है, एक मैं ये यूज़ करती हूँ बुर्जुआज का 1 2 3, और एक ये बुर्जुआज का ही हेल्थी मिक्स। इन दोनों में से मैं कोई एक यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। वालेकुम सलाम मरियम, ठीक है। मतलब कहाँ गया, वो अंदर ही चला गया। वालेकुम सलाम मरियम, क्या हाल है। इट्स ओके बेबी, अगर ऐसा ही तो मैं ये वाला ले लूँगी। ये मैक का है, मैक ये वाला लगाने लगी मैं। इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। या हेल्थी मिक्स बहुत अच्छा है। एक सेकेंड यार, ये ब्राइटनेस क्यों कम हो जाती है। हाँ मैक अच्छा है, लेकिन मैक जो है ना बहुत स्टिकी है। मतलब इसको मुझे फील होता है कि ये बहुत स्टिकी है। इतनी में मुझे मैक का पसंद नहीं है, ठीक है। ये शेड है, इसका शेड कहाँ लिखा था, ये है NC40 है, ये NC40, ठीक है। अब जो है ना इस ब्रश से, कबूकी ब्रश है, इससे जो है ना मैं टैप करूंगी अपने स्किन के अंदर। नहीं नो, अभी तक नहीं, क्योंकि ये वो डिलीवर आई गेस नहीं करते यहाँ पे, इसलिए भी NC40। यस NC40, ऐसे हमेशा अपनी जो है ना ये पीछे करके बाल और फाउंडेशन अप्लाई किया करें। बहुत मुश्किल से मिलता है क्या MM? पाकिस्तान में तो मिलता है, मुझे यहाँ बाहर तो नहीं मिलता। जब तक आपकी स्किन को ऐसे लगे ना कि फाउंडेशन जो है वो स्किन के अंदर नहीं गया, वो उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करो, ठीक है। अब ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसे डैप करो, एक्सेस सब निकल आएगा जो एक्स्ट्रा है ना हमारे स्किन के लिए जो नहीं है। नेता ना बोलो ये। ठीक है, अब जो है ना मैं अपने अंडर आईज को करूँगी। उससे पहले मैं अपने अंडर आईज सेट करूँगी, वो मैं बनाना पाउडर से करूँगी। बनाना पाउडर लेकर उसको फ्लैट ब्रश, कोई भी ले लो, कोई भी ब्रश ले लो, ज़रूरी नहीं है। इसको ऐसे सेट कर लो,
इससे क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन होता है ना, एक तो स्किन के अंदर सही से हो जाता है सेट, और आप जब कोई नेक्स्ट अंडर आई करोगे या कुछ करोगे तो उसके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा आपका वो शेड। कुछ यहाँ पे भी कर दो, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ी देर रखूंगी, ठीक है। अब अंडर आई करते हैं, तो अंडर आई के लिए मेरी खुली हुई थी। मैं पहले जो है ना अपनी आईज के अंदर पेंसिल लगाऊंगी, ठीक है, आईज के अंदर। थैंक यू मदीहा, मैं प्रो नहीं हूँ लेकिन बस कर करके आ गया। ठीक है, ये आईज के ना बिल्कुल अंदर, अगर आपको सही जो होता है ना स्मोकी चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल जो है ना पेंसिल को अच्छी तरह से आईज के अंदर लगाओ, ठीक है, अच्छी तरह से आईज के अंदर लगाओ। अब क्या करना है, देखो अब मैंने आईज के अंदर लगाया ना, आई डोंट नो ये क्यों इतना वो हो रहा है। अब जो है ना मैं आईज के बिल्कुल इधर नीचे पेंसिल लगाऊंगी, ये पेंसिल, क्योंकि मुझे बिल्कुल ब्लैक इफेक्ट चाहिए। मेरे लेंस इधर के हैं, क्या कहते हैं, फ्रेश लुक के हैं, ब्राउन शेड है, नेचुरल ब्राउन। ये यहाँ से ये मैंने जो है ना पेंसिल लगा ली, ठीक है। अब मैं इस पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए अपना जो है ना वो लूंगी, ये बुर्जुआस की वो है, ब्रश है, फ्लैट है बिल्कुल ऊपर से, ठीक है, ये फ्लैट ब्रश है। इससे जो है ना मैं ब्लेंड करूंगी अच्छी तरह से, इससे मैं इसको ब्लेंड करूंगी बिल्कुल हल्के हाथ रख के इसको ब्लेंड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अपना ब्रश थोड़ा सा बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला लूंगी, जो कि मेरा ब्रश ये था, ठीक है। नजर आ रहा है ना सही, मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं अंधेरा छा गया काला लगा के। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, नजर आ रहा है राइट, इवन कि मैंने फ्लैश भी ऑन की है, मेरी बैटरी चेक करी थी मैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, अब जो है इस आंख को भी मैं जो नीचे से वो करूंगी पेंसिल, एंड देन ब्रश, सॉरी ये वाली ब्रश, ठीक है, ये हो गया, ये ऐसे। अब जो है ना ये जगह होती है ना, इसको भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, स्मोकी आईज में लाइक फुल स्मोकी होता है ये पूरा, तो इसको भी ब्लेंड करो अच्छे से, यहाँ पे कोई हार्श लाइन ना आए, ठीक है, इसको
इसको आप ब्राउन से कर सकते हो। लाइक यहाँ पे लिटरली कम है। थैंक यू। ये हो गया। अब जो है ना मेरी नीचे से भी ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए ना। अब मैं क्या करूँगी, जो ये ब्रश लेकर उसको डस्ट ऑफ करूँगी जो मैंने लगाया था सेट करने के लिए। यहाँ पे इसको हाथ से थोड़ा ना वो करना। यहाँ पे मेस बन गया ना, यहाँ की वजह से है। ये होता है डार्क शेड लगाने से। यहाँ पे यार ये क्यों इतना ज्यादा लग रहा है, इससे कि मैं इसको अभी से करती हूँ। एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट तो यार काफी दूर है। क्यों आप कुवैत में रहते हो? एयरपोर्ट के पास नहीं रहती। मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो गया, गलती हो गई है मुझसे, गलती। खैर ठीक है। पहले था लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसे लग रहा है यार, ये मुझे तंग कर रहा है ये जगह। पहले आवाज आ रही थी ना? अच्छा नहीं, मेरे घर से काफी दूर है। मुझे मुझे खुद को ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मेस हो गया।
फिर अभी जो है ना मैं अपनी इनर आईज पे लगाऊंगी, ठीक है। ये लगाया मैंने, एक सेकेंड यार और जान हो रही है, मैं आती हूँ एक सेकेंड। असल में ना ईशा हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है अब इस मैं कंटूरिंग करूँगी। जब हम लोग जब डार्क मेकअप करते हैं तो हमें कंटूरिंग भी थोड़ी हैवी करनी पड़ती है, ताकि जो है ना वो सिर्फ आईज आईज ना लगे फेस पे, थोड़ा फेस भी नज़र आए। तो इसीलिए मुझे कंटूरिंग अब जो है थोड़ी थोड़ी डार्क करनी पड़ेगी अपनी। और डार्क हमारी कंटूरिंग कैसे होती है, वो हमारी क्रीम कंटूरिंग होती है जो कि डार्क होती है, ठीक है। मैं अपनी क्रीम कंटूरिंग किट में से अपना डार्क शेड लूँगी और यहाँ पे अप्लाई करूँगी यहाँ से, ठीक है। और जैसे कि मेरा माथा यहाँ से बड़ा है, ये ओके है, तो मैं यहाँ पे अपनी क्रीम लगाऊंगी, ठीक है। अब इसको ब्लेंड करने के लिए हम जो है अपना ब्रश लेकर ब्लेंड ब्लेंड करेंगे इसको। अब जो है इसके ऊपर मैं हर चीज़ को सेट करने के लिए पाउडर होता है, तो कंटूरिंग जो क्रीम कंटूरिंग होती है उसको भी सेट करने के लिए पाउडर यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर जो है ना वो पाउडर कंटूरिंग होगी। तो मेरी पाउडर कंटूरिंग किधर है, वो इधर नहीं है। ये वाला यूज कर लेती हूँ मैं। अब जो है वो मैं अपना फोरहेड करूँगी इससे कंटूर, एंड देन नोज़ कंटूरिंग के लिए आएंगे तो हम लोग अपना ब्रश लेकर फ्लैट ब्रश से जो है वो ऐसे करना।
और अब जो है वो मैं ब्लश लगाने लगी हूँ, पीच ब्लश लगाऊंगी मैं। हाँ या और ये यहाँ से भी है ना, अजीब अजीब हो रहा है। ये हो गया। अब जो है मैं हाइलाइटर लगाऊंगी अपना। फाइजा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। हाय हेलो फाइजा, थैंक यू। ये हो गया। अब जो है वो मैं लिपस्टिक लगा लूँ, ये तो मुझे डेट कर देगा। थैंक यू फाइजा, ये कलर अच्छा है। थैंक यू पिंक। आईज बहुत हैवी है ना, इसके लिए मैंने लाइट लगाया। ये नहीं चलेगा। तो ये है फाइनल लुक। हाँ ओके ये है। मैंने स्मोक किया इसकी, तो अब मैं जाऊँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये लिपस्टिक जो है ये कहाँ की है, गोल्डन लेडी की है, गोल्डन लेडी का शेड है 12। ठीक है।
यार कैसा लगा? थैंक यू। चलो फिर अब मैं चलती हूँ। बाय टाटा। ठीक है, बाय, थैंक यू।